तो बात कर रहे थे कि वो सब साइंस की बात है, ये सब साइंस की बातें हैं। तो वो जो उड़ के जाना होता था, ओके, वो जो मैं बात कर रहा था कि पुष्पक विमान में आए थे, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलता था। अभी सोचो न्यूक्लियर एनर्जी आई, अभी हम सब रिसर्च कर रहे हैं 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी से, 16 भी नहीं 17th सेंचुरी मेजरली, और इतने पहले हम लोग ने ये सब यूज़ कर लिया था। ये एटम बॉम्ब एंड ऑल क्या है, हमारे वहाँ पे ऐसे नहीं डिस्ट्रक्शन के लिए वो बताते हैं कि डिस्ट्रक्शन इतना होता था कि जो वॉर्स होती थी, तो अर्जुनाज और उनकी उनके जो एरोज थे वो कैसे, मतलब सब कितना कुछ डिस्ट्रक्ट करते थे, कितने धड़ाके वड़ाके हो जाते थे। तो वो एटम बॉम्ब मिसाइल ये वो सब कुछ हमने पहले से हमने यूज़ किया है, हमके साइंस पता था। फिर धीरे 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 हमें अपना ही नॉलेज भूल गए, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट हमें मतलब अभी साइंस नहीं पता है, इसलिए हम थोड़ा इमेजिनेशन और उसकी बात। अंजी फोन को काम छे तर और है थे क्यों पते क्यों फोन को काम ने तो हम और ले जा। हाँ तो ये क्या था कि साइंस है, ओके, लेकिन साइंस पता नहीं होता है, इसलिए हम बोल देते हैं चमत्कार है ऐसा। सर अभी सोचो, वो आज से 10 साल पहले, मैंने तुम्हें पहले भी बताया होगा ना कि आज से 10 साल पहले, या आज से 10 साल बोल रहा हूँ, आज से मतलब 100 साल पहले, या सपोज 200 साल पहले, हम बोले कि हम यहाँ पे ऐसे मशीन है, यहाँ से हम बात कर सकते हैं, अमेरिका अमेरिका में कोई पर्सन है वो, हम उससे बात कर सकते हैं डायरेक्ट, तो हमें पागल ही बोलेंगे। और अगर किसी के पास ऐसे जनरली ये फोन बंद हो जाता है, किसी के पास अगर मिल गया, किसी के पास अगर ये मिल भी गया फोन, तो बोलेंगे अरे चमत्कार है, ये कैसा डिवाइस। तो वहाँ पे वही चीज़ थी कि साइंस हमें पता नहीं है, इसलिए हम चमत्कार बोले। नहीं, हनुमान जी ने अपना साइज बड़ा कर लिया था, अपना साइज छोटा भी कर लिया था कितनी बार। अभी हम अगर श्रीलंका जाए या फिर यहाँ पे अयोध्या और वो सब नासिक नासिक की गुफा है वो सब देखे, तो हमें पता चलेगा कि उनकी साइज बड़ी छोटी सब कुछ हुआ था, ओके, साइज बड़ी थी छोटी हुई थी, उनके पैरों के निशान वो सब हमें दिखा था। तो ये कैसे था, मतलब कि ये सब क्या था, ये साइंस ही है। अगर साइंस नहीं पता इसलिए हम बोल रहे हैं, तो ये लेविटेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन ऐसा नहीं है, अब पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन साइंस वो पता होना चाहिए। ये जो हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज बन रही है ना, वो सारे हम उन लोगों ने हमारे स्क्रिप्चर डीपली पढ़े हैं, हमने नहीं पढ़े, उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर पढ़े हैं। और फिर अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो इमेजिनेशन के तौर पे दिखाते हैं। ये जो जितने भी ये एवेंजर्स है, और उसकी है ना एवेंजर्स का वो कौन था, एक डॉक्टर स्ट्रेंज, उसके पार्ट्स देखना तुम, डॉक्टर स्ट्रेंज 1 2, उसमें ऐसा ही सब है कि वो ऐसा पावर है कि ऐसे लेविटेशन हो रहा है ग्राउंड से। सो वो सब चीज़ें आती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि उसके पास तो ऐसे पावर है कि एक फकीर भी उसको स्टेयर, मतलब घूर घूर कर देखना, कि एक फकीर भी मैकेविटी को घूर घूर के देख सकता है। मतलब ऐसे कुछ होता नहीं है, फकीर भी जो हवा में अद्धर रहते हैं वो एक्चुअली ऐसे स्टैंड पे बैठे हुए होते हैं, लेकिन हाँ। वो स्टैंड इतना पतला होता है, इतना थिन होता है कि हमें दिखता नहीं, ओके। तो गणेशोत्सव में और उसमें ऐसे दिखाते हैं कैसे करके, सिर्फ एक लकड़ी है वो अपने वो पूजा वाली, तो ऐसे हाथ रखा हुआ था, ऐसे हवा से अद्भुत। हाँ सर, पी के उसको कपड़ा ले। हाँ, लेकिन वो पीछे से पूरा स्टैंड होता है, हाँ। ओके, सो लाइक दैट। तो लेकिन अगर ऐसे फकीर भी उसको देखते रहे, वैसे वो कहीं पे भी लटक सकता है, ऐसे ऐसे इमेजिन इमेजिन क्या है कि मैकेविटी कहीं भी लटकता है, कहीं पे अधर अधर दिख रहा है हवा में, लाइक दैट। सो एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ द क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। वापस अगर तुम कहीं पे भी पहुंचोगे क्राइम की जगह पे, तो मैकेविटी बिल्ला वो यहाँ पे है नहीं। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, मतलब तुम्हें लगेगा कि तुम उसको सीक हिम, मतलब के ढूंढना, ओके, तुम उसको बेसमेंट में, मतलब जो हमारे पहले हमारे मतलब जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनके घर में जनरली बेसमेंट होता है, मतलब अंडरग्राउंड जो ग्राउंड है वो तो है ही, अंडरग्राउंड में कुछ पार्क बनाया हुआ है। भूतों के मूवीज में तो ऐसा ही होता है, कोई भी हॉलीवुड का मूवी ले लो तुम भूत वाला, तो उसमें नीचे ग्राउंड के नीचे बेसमेंट होगा, उसको स्टोरेज एरिया बना दिया होगा या कुछ ना कुछ बनाया हुआ होगा, ओके। तो वो जो है वो बेसमेंट, तो तुम उसको बेसमेंट में ढूंढ सकते हो।
मे लुक अप इन द एयर, तुम हवा में भी उसको ढूंढ सकते हो, कहीं भी लटका हुआ होता है ऐसे, लाइक दैट. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेट इज नॉट देयर. लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ और बार बार बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि मैकेविटी वहाँ नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा. वो श्योर है, ऑथर श्योर है कि वो वहाँ होगा ही नहीं, लाइक दैट. सो नेक्स्ट स्टैंजा में बताया गया है, मैकेविटी इज अ जिंजर कैट. जिंजर जैसा है, जिंजर मतलब अदरक, आदू. ओके, तो वो जिंजर जैसा है. जिंजर जैसा मतलब वो लंबा लंबा होता है और थीन थीन होता है. तो वो थीन है और बहुत लंबा है, ऐसे इररेगुलर शेप का. ही इज वेरी टॉल एंड थीन. देखा, बोला है ना, ही इज वेरी टॉल एंड थीन, दैट्स वाई उसको जिंजर कैट बोला है. यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम. ओके, तुम उसको देखोगे तो तुम पहचान जाओगे, देखोगे तो पहचानोगे. ओके, तुम उसको देखोगे तो पहचान जाओगे. फॉर हिज आईज आर संकन इन, मतलब उसकी आंखें संकन इन, मतलब क्या कि ये जो हमारा आई का वाइट पोर्शन है, वो वाइट पोर्शन बहुत बड़ा होता है और वो अंदर धंसा हुआ होता है. जो टॉम एंड जेरी में जो टॉम की आंखें होती है, वो देखना, ऐसे इतनी बड़ी वाइट कलर की आंखें और छोटी सी इतनी सी गोटी होती है काली काली. ओके, तो वो वाइट पोर्शन बहुत बड़ा होता है और वो बहुत अंदर से होता है, मतलब ये सब पार्ट बहुत बाहर होता है और ये आंखें बहुत अंदर से होती है. इसी को बोलते हैं संकन इन, धसी हुई आंखें. देखो मैंने लिखा भी सर, ऐसे आते हैं ना, वो अभी देखना पड़ेगा. ओके, सो हिज ब्रो इज ब्राउ इज डीपली, आईब्रो की बात चल रही है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, मतलब उसकी आंखें हमें, उसकी ब्रो हमेशा थॉट के जैसे लाइंड होती है. मतलब हम सोचते ना क्या कर रहा है, तो कैसे थोड़ी ऊंची होती है ब्रो, वैसी उसकी ब्रो हमेशा ऊंची रहती है. देखो फिगर में ऊंची ही दिखाई दे रही है. हाँ, तो उसकी ब्रो हमेशा ऊंची ही दिखाई देती है. अगर हम सोचते हैं तो कैसी ऊंची होती है फिगर में जैसे दिखाई गई है, वैसी उसकी आईब्रोज ऊंची ऊंची दिखाई दे रही है. एंड हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका हेड जो है हाईली डोम्ड है. डोम मतलब ऐसे गोला, स्फीयर, हेमिस्फीयर होता है वो, जैसे मस्जिद का होता है डोम बोलते हैं उसे. ओके, डोम मतलब ऐसे हेमिस्फीयर, टॉप पोर्शन हेमिस्फीयर होता है. ओके, तो वो जैसे उसका हेड डोम जैसा है, ऐसे लाइक डोम शेप. हाँ, फिर नेक्स्ट है हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट. उसका कोट जो है एकदम डस्टी है, धूल वाला है. क्यों? क्योंकि वो निग्लेक्ट करता है, वो मतलब अपने कपड़ों के ध्यान ही नहीं रखता है. गंदा हुआ तो गंदा हुआ, ऐसे आलसी है, ऐसे पड़ा हुआ आलसी है. मतलब निग्लेक्ट का परफेक्ट मीनिंग होता है इग्नोर करना, मतलब है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, निग्लेक्ट, जैसे मेरी वैल्यू हो 14.98, कोई एक वैल्यू है, इस वो है 14.98, मैं बोलता हूँ कितना, तो बोलूँगा 15, तो 0.02 मैंने निग्लेक्ट कर दिया, 0.02 निग्लेक्ट कर दिया कि उतना कम है, फिर भी बोल दिया कि अच्छा चलो ठीक. मतलब ऐसा कि तुम किसी के साथ पैसे लेने हैं, तुम्हें सपोज 1000 रुपये लेने हैं और उसके पास 990 रुपये है, 10 रुपये कम है, तो तुमने बोला अरे 990 तो आ रहे हैं, ला तो ला 990, ला 10 रुपये रख, तो तुमने 10 रुपीज़ को निग्लेक्ट कर दिया उस टाइम पे, कि चलो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करते हैं, बाकी का तो ला, ऐसा लाइक दैट. सो वो अपने कोट को निग्लेक्ट करता है, पूरा धूल मिट्टी वाला होता है, लेकिन वो साफ नहीं करता. हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब्ड. हिज विस्कर्स मतलब मुस्टैच, मूछे. ओके, मूछे को क्या बोलते हैं, मस्टैक. एक्चुअली में क्या बोलते हैं, मस्टैक, लेकिन हम इंडियंस कैसे प्रोनाउन करते हैं, मुस्टैक. हम मुस्टैक प्रोनाउन करते हैं, एक्चुअल में है क्या, मस्टैक, मस्टैक. ओके, सो जो उसके मस्टैक है, मतलब ऐसे हेयर हेयर वाली जो मूछे है, वो भी एकदम मतलब बिगड़ी हुई है, कभी कोम्ब नहीं करता. मतलब वहाँ पे कोई कोम्ब ऐसे करते नहीं है कोई, लेकिन बताया गया है कि वो अनकोम्ब्ड है. मतलब कोम्ब मतलब कंघी करना, मतलब कोम्ब का मीनिंग क्या होता है, कंघी होता है. यस, ओके, कोम्ब का मीनिंग होता है कंघी, मतलब दोनों मीनिंग होता है. कोम्ब करना वो वर्ब है, कॉम्ब इज अ वर्ब ऑल्सो एंड कॉम्ब इज अ नाउन ऑल्सो. ओके, सो विस्कर्स आर अनकॉम्ब्ड. अनकॉम्ब्ड मतलब कि
कंगी नहीं किए हुए, तो एज अ वर्ब है यहाँ पे. ओके. ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक. मतलब स्वेज, स्वेज मतलब हिलाना, ऐसे मूवमेंट करना. तो वो अपने हेड को स्नेक जैसे ऐसे 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 चलता है. वो अपने हेड को ऐसे 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 घुमाता है. ओके. एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, मतलब तुम्हें लगता है ए वो तो सोया हुआ है. अस्लीप मतलब सोया हुआ. ओके. तो तुम्हें लगता है कि वो तो शायद सो रहा है. ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, मतलब वो जागा हुआ ही होता है ऑलवेज. ये हमें गलत फहमी हो जाती है कि वो सो रहा है या नींद में है, लेकिन वो हमेशा ही जागा हुआ होता है. बहुत चतुर है, चतुर, बहुत ही ज्यादा क्लेवर बिल्ला है ये. ओके. डॉन 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 गई वो. ओके. सो मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मतलब बिल्लियां बिल्ले तो बहुत सारे हैं लेकिन मैकेविटी जैसा कोई नहीं. ओके. लास्ट आंसर है फॉर ही इज अ फिएंड इन फेलाइन शेप. ओके. देखो फिएंड मतलब डेविल. फिएंड मतलब क्या? डेविल एक राक्षस है. ओके. इन फेलाइन शेप, फेलाइन शेप मतलब एक कैटेगरी ऑफ एनिमल्स है. देखो लिखा हुआ ही है ऑफ और रिलेटिंग टू अ कैट, मतलब जो कैट जैसा. ये जो फेलाइन जो ग्रुप है, फेलाइन ग्रुप मतलब जैसे शेर है, टाइगर है, लेपर्ड है, चीता है, ये कैट है, ये पूरा ही ग्रुप क्या है? फेलाइन ग्रुप. ओके. तो ये फेलाइन ग्रुप का शेप है सिर्फ, लेकिन एक्चुअल में वो राक्षस है, वो डेविल है. ओके. वैसे माना गया है. अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी मतलब एक मॉन्स्टर है, भूत है, भूत घोस्ट, एक मॉन्स्टर है ऑफ डिप्रेविटी. डिप्रेविटी मतलब मोरल करप्शन, मतलब वो करप्शन में ही मानता है. उसका मतलब दिमाग ही सिर खिसका हुआ है कि मतलब उसको करप्शन ही करना है. जो उल्टी चीजें है, जो इलीगल चीजें है, वही करनी. असुर मूवी सीरीज देखिए, असुर. yes, उसमें वो जो असुर है वो असुर है, मतलब डेविल, मतलब वो तो कितनी मतलब रिलीजियस बात भी करता है. लेकिन है डेविल जो फिलोसॉफी है वो डेविल वाली है. रिलीजियस बात तो मतलब रावण जी भी करते थे. रावण जी पंडित थे, ब्राह्मण थे. शिव जी के सबसे बड़े, सबसे बड़े, बहुत बड़े नहीं, सबसे बड़े भक्त थे. शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे रावण जी. उन्होंने कितने मतलब शिव तांडव स्तोत्र का उन्होंने निर्माण किया है, वो उन्होंने बोला है. वो म्यूजिशियन थे, बहुत ही अच्छा सितार बजाते थे. उनको बहुत ही ज्यादा, उनको चारों वेद बाय हार्ट थे. बाय हार्ट चारों वेद बाय हार्ट थे. वो सर उन्होंने कुछ उनके बेड पर वो सब उनको बांध कर रखा है. कुंभकर्ण को नहीं सर, वो अपने बेड पर कुछ बांध कर रखते थे. किसको? बेड के जो ऐसे डंडे होते हैं ना नीचे. हाँ. तो उसके ऊपर वो जो लड़ते हैं ना सब, क्या सर या वो सब क्या? अब वो राहु केतु. हाँ. राहु केतु को बांध दिए थे. यस करेक्ट. जो राहु केतु है वो हमारे नौ ग्रह में आते हैं. हाँ, तो उनको बांध दिए थे उन्होंने. ओके. पकड़ के बांध दिए थे कि मतलब तुम नड़ोगे, तुम कैसे नड़ोगे, मैं ही तुम्हें पकड़ लूंगा, ऐसे लाइक दैट. तो उन्होंने बांध दिए थे. तो वो जब थे तब वो पूरी मतलब तीनों लोक, लोक बोलते हैं ना, तीनों लोक चल रहे हैं ना. हाँ चल रहे. तीनों लोक मतलब पाताल लोक, मतलब तीन लोक, मतलब पहले हमारे कैसे दिखाया जाता था, बीच में है अर्थ, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक, ऐसे दिखाया जाता. वैसे लोग तो बहुत सारे हैं, कभी डिस्कस करेंगे. ओके. सही वाले लोग. हाँ, ये ऐसा नहीं पाताल लोग, सही वाले लोग बहुत सारे हैं. तो और हमारी डीड्स के हिसाब से हमें वो लोक में हमें बर्थ मिलता है. फिर वो लोक में भी पर्टिकुलर होता है. जैसे तुम्हें अर्थ में मिला, मृत्यु लोक बोलते हैं अर्थ को. क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक. मतलब यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है. वैसे एक्चुअली कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन यहाँ की जो एज लाइफ है वो बहुत कम है. मृत्यु लोक की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु लोक बोले थे. मतलब सोचो 100 साल को भी वो बहुत जल्दी मृत्यु होती है, ऐसा बोलते हैं. इसलिए गॉड्स की एज बहुत ज़्यादा है. हम बोलते हैं ना कि अभी हनुमान जी है, शिव जी है, तो उन वो है इन सेंस व्हाट, उनकी एज ही उतनी लंबी है. कभी तुम्हें हाँ, तो वो टाइम टाइम रिलेटेड उनकी एज क्या है एंड ऑल, कभी हम फ्री होंगे मतलब कभी डिस्कस करेंगे एज अ टॉपिक. कभी कुछ मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी और कुछ अंदर रिलेटेड आएगा तो भी. ओके. सो
तो ये सभी साइंस की बातें हैं, ओके। तो वो हम बात कर रहे थे डेविल की, तो वो डेविल थे लेकिन बहुत अच्छे थे। डेविल थे मतलब क्या कि उनका जो जगह है वो डेविल का था, लेकिन बहुत अच्छे काम भी किए हैं। तो हम सिर्फ एक ही पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट जो बुरा हो गया वो ही देखते हैं, लेकिन वो भी पिछले डीट से जुड़ा हुआ होता है। वो अभी हम रामायण डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ओके। तो हमारी पोएम ख़त्म होने आई है। दैट इज़ मोरल, ये जो डिप्रेविटी है वो है मोरल करप्शन, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो जो नेगेटिविटी में ही मानता हो कि नेगेटिविटी अच्छी है, क्योंकि नेगेटिविटी में ही पावर है, पावर दूसरों को मारना ही पड़ेगा, ऐसे दूसरों को माफ़ नहीं करना है, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उससे तू उसके साथ उससे भी ज़्यादा बुरा करो, ऐसी जो मेंटालिटी है। हाँ, लाइक दैट, ओके। मैंने देखा नहीं है, थोड़ी बहुत स्टोरी पता है मुझे। सो यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, मतलब तुम्हें अचानक से कहीं पे स्ट्रीट में चलता हुआ वो शायद दिख जाए, ओके। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो मतलब हमारी गली होती है, तो ये सपोज यहाँ से तुम बाहर जाओगे और फिर 90 डिग्री का टर्न लेके ऐसे जाओगे, तो स्क्वायर का भी 90 डिग्री टर्न ही होता है, तो इसीलिए उसको स्क्वायर बोलते हैं, ओके। कि ऐसे तुम आए, जैसे क्रॉस रोड होता है, क्रॉस रोड मतलब चार रास्ते, 1 2 3 4, वैसे ही स्क्वायर मतलब ऐसे तुम कहीं पे जा रहे हो और एग्जैक्टली 90 डिग्री बेंड हो रहे हो, तो तुम्हें कहीं पे कहीं स्क्वायर पे वो दिख जाए या कोई स्ट्रीट पे भी तुम्हें शायद कहीं दिख जाए। बट वेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन तुम्हें ऐसे कहीं पे दिख जाएगा, लेकिन जब क्राइम डिस्कवर होता है, जब क्राइम होता है, ओके, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन क्राइम की जगह पे मैकेविटी कभी होता नहीं। सो दिस इज दी आवर पोएम फ्रॉम टी एस एलियट, दैट इज द मैकेविटी द मिस्ट्रियस कैट। तो क्यों नाम दिया है वो हमें पता चल गया कि कहीं पे भी वो हमें पता है कि वो क्राइम करता है, वो जस्ट लाइक अ डेविल है, ओके। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टैंजास में पढ़ा, पहले तो हमने ये पढ़ा कि वो मिस्ट्रियस क्यों है, उसने कितनों की नींद हराम करके रखी है, लाइक दैट, कि पूरी बेफलमेंट है, वो कन्फ्यूजन जैसा है पूरी स्कॉटलैंड पुलिस के लिए, फ्लाइंग स्क्वाड्स के लिए, क्योंकि कितना भी कुछ करो वो भाग ही जाता है, तुम उसको पकड़ ही नहीं सकते, तुम्हें लगता है कि हम उसको ये बार पकड़ लेंगे लेकिन पकड़ नहीं सकते, ओके। जैसे धूम सीरीज में चोर होता है वैसे, कि तुम उसको पकड़ ही नहीं सकते, लाइक दैट, ओके। सो और मतलब उसके पास पावर्स भी बहुत ज़्यादा है, वो भी हमने देखा, लेविटेशन एंड ऑल, कि कहीं ओरिजिनल पावर नहीं लेकिन कहीं पे भी ऐसे भूत की तरह लटकता हुआ दिख जाएगा। और वैसे बताया गया है कि एक फकीर जो है वो भी उसको स्टेयर करके देख सकता है, स्टेयर करके देखेगा इसके पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गए, लाइक दैट। उसके लुक के बारे में हमने देखा कि उसका लुक कैसा है, उसकी जो मस्टैक है उसको वो कॉम्ब नहीं करता है, उसका जो हेड है वो डोम शेप का है, उसकी आंखें जो है वो संकनीन है, मतलब अंदर से धसी हुई है, और वाइट कलर ज़्यादा है ब्लैक कलर से, वैसे वाइट कलर ही ज़्यादा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा है ब्लैक कलर से, ओके।